नमस्कार साथियों, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम लेकर के आए हैं, आज की हमारी दक्षता है छोटी कहानियों के तथ्यों को पढ़ पाना और याद कर पाना। तो शुरू करते हैं। नमस्ते बच्चों, नमस्ते। आज आपको एक कहानी सुनाऊंगा मैं, बहुत सुंदर है ना, ध्यान से सुनना आज कहानी है। एक बार क्या हुआ, दो भाई बहन थे। कौन थे? दो भाई बहन। और लड़की का नाम था रितु और लड़के का नाम था मिंटू। क्या क्या नाम थे? रितु मिंटू। रितु और मिंटू ने अपने घर में बहुत सारे पशु पक्षी पाल रखे थे। क्या पाल रखे थे? अरे हमारे घर में भी पालते हैं ना, पशु भी पालते हैं हम, पक्षी भी पालते हैं। तो रितु और मिंटू ने भी क्या कर रखा था, बहुत सारे पशु पक्षी पाल रखे थे। अब एक दिन क्या हुआ, उसके मम्मी पापा, दोनों के मम्मी पापा है ना, अरे भाई बहन थे तो दोनों के मम्मी पापा तो एक ही हुए ना, वो चले गए एक शादी में। कहाँ चले गए? शादी में। और शादी में चले गए तो दोनों घर पर अकेले थे। उन्होंने क्या किया, सभी जो पशु पक्षी पाल रखे थे उनके पिंजरे उन्होंने खोल दिए। अब पिंजरे खोलते ही जो तोता था, मैना, चिड़ा, ये बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि भाई आज तो क्या मिल गई, आजादी मिल गई। और खुशी के मारे जोर से चहचाने लगे। जो खरगोश था और कबूतर था वो कमरे में भगने लगे, दौड़ लगाने लगे, इधर उधर, इधर गए उधर गए हैं और घूमने लगे पूरे कमरे में। और घर में ऐसा लगा जैसे बाहर आ गई हो। कैसी लगी कहानी? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी लगी। तो प्रश्न पूछते हैं इससे संबंधित, दिखा कितना आपने आप लोगों ने ध्यान से सुना। घर में कितने बच्चे थे? दो बच्चे थे। हाँ भाई, राधा खड़ी हो। दोनों क्या थे आपस में? भाई बहन। भाई बहन थे, बहुत अच्छा। ताली बजाओ राधा के लिए। कौन खुशी से चहचाने लगा था? हाँ पूजा बताएगी। सर तोता, मैना, चिड़ा। शाबाश, पूजा के लिए ताली बजाओ। कहानी से संबंधित बहुत रोचक और आखिरी प्रश्न आपके लिए, हम हमारे घर में कौन कौन से पशु पालते हैं? हाँ भाई विशाल बता। सर गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा। बहुत अच्छा भाई, विशाल के लिए बता दिया कि कोई भी जो कहानी होती है उस कहानी को बच्चे बड़े रुचिपूर्ण ढंग से सुनते हैं, समझते हैं एवं उस कहानी से संबंधित तथ्यों, प्रश्नों की जानकारी आसानी से दे पाते हैं और उस कहानी को अपने परिवेश व आसपास के वातावरण से भी जोड़ते हैं। धन्यवाद।